नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीकेएल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 जुलाई की बुस्ट वर्ल्ड करंट अफेयर। आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको कोई और अलग से करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन और पॉइंट सेलेक्टेड हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से। लेकिन इससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला पॉइंट है, प्रतिवर्ष 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जुलाई को। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा आज यानी 15 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। बाहुड़ा यात्रा ओडिशा में होती है और ये 15 जुलाई को शुरू हुई है। अगला पॉइंट है, स्पेन ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हरा कर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है स्पेन ने। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उस पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट देखेंगे, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हरा कर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरे विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अगला पॉइंट है, भारत ने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हरा कर 4-1 से हरा कर यह सीरीज अपने नाम की है। अगला पॉइंट देखेंगे, दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण आयोजित करेगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे श्रेणी कार्यकर्ता का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, निरमा विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोटोकान इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है। अगला पॉइंट देखेंगे, केपी शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो केपी शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के 55 जिले में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अगला पॉइंट है, हाल ही में पुडुचेरी के 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। पुडुचेरी का 235वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अब देखने वाला है 15 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर गोवा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह क्वेश्चन हो जाएगा जेम्स एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया? 7%। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका के चेकलिंगन यानी ऑप्शन ए। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर ये क्वेश्चन होगा, किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौशेदा ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं कमेंट को और दे दूंगा, जिससे बाकी लोग भी समझ पाए। और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।